लॉकडाउन समय रे निज बुद्धि आ ज्ञान कौशल व्यवहार करी राउरकेलार दुई जन छात्र जदि आम कह पाठ पढ़ुआ दुई जन छात्र एवं चर्चार केन्द्रबिंदु पलटिंट तहार कारण है से मैंने गोटे बाउंश तैयारी ब्रश तथा एमती बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट को नहीं एवं मार्केटिंग आरंभ कर जो मार्केटिंग करते समस्ते से मैन्युफैक्चरिंग को नहीं यार मार्केटिंग पर्यंत समस्ते से छात्र श्रेणी तेज दिल्ली किसी छात्र एक तैयारी करते तार मार्केटिंग करते तेज ये बायोडिग्रेडेबल ब्रश आम देखा आपण को ये संपूर्ण बाउंश से तैयारी कौन सी प्रकार प्लास्टिक एथेर व्यवहार होनी संपूर्ण यहाँ बाउंश से तैयारी आ सब बड़ कथा है आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया सठिक उपयोग कर माने मार्केटिंग कर चर्चार केन्द्रबिंदु पलटिंट अन्य गोटे कथा यदि कह पार्क पार्क बोली जो हेजिटेशन नक जो पार्क कि लोक महली को जी से लोक प्लास्टिक मुक्त भारत बार्ता दौंट आउ बायोडिग्रेडेबल ब्रश तथा विभिन्न जो सामग्री देशी सामग्री व्यवहार करने से अनुप्राणित कर सचेतन कर सीधा सड़क आलोचना करवा आम अच्छा पाखे प्रथम तो मुझे स्वागत करी एभली एक भल जिनस प्लास्टिक मुक्त ब्रश आप जो मार्केटिंग जो तैयारी कर तुम सब टीम मिसिकी तो मत संपूर्ण कह कमी एत गोटे गोटे भल कथा मुंड को आसला कारण समस्ते जो बाउंश को सब जगह व्यवहार करती तो बाउंश रु ब्रश या चिंता करेंगे एमती नमस्कार एक्चुअली आम कौन कि लॉकडाउन टाइम रे देखिलु लॉकडाउन जो यातायात कमिला लोक यातायात कमिला तो आम देखिलु कि नेचरटा धीरे धीरे आम हिल कर लगी पॉल्यूशन लेवल कार्बन डाइऑक्साइड लेवल धीरे धीरे सब कमी लगेगा तो आम माइंड से भाविलु कि वन से लॉकडाउन सरीगला पुणी सब किसी एवरीथिंग बैक्स टू नॉर्मल तो आम से टाइम भाविलु किसी तो आम करूँ जोटा कि आम डे टू डे प्लास्टिक वेस्ट होती डे टू डे जहाँ भी आम वेस्ट प्रोडक्शन करुँ डेली लाइफ यूज रेगुलर आइटम यूज रे तो से किसी रिप्लेस करके छोटे छोटे आइटम आम ट्राए करूँ तो आम फर्स्टली ट्राए कलु खोजापी प्लास्टिक सब बेसी वेस्ट कौन आसे तो मोस्टली सब आसे प्लास्टिक बैग बट से जेहतु किसी डेफिनेट सल्यूशन नाला प्लास्टिक बैग पर तो आम नेक्स्ट देखिलु नेक्स्ट आम इंडिया सब मोस्टली प्लास्टिक वेस्ट जेनेट हुए टूथब्रश रु गोटे कहीं सब लोग यूज करती तो आम ट्राए कलु रिप्लेस करापी आम बहुत किसी वेस्ट बाहर कलु तापर मोस्टली आमको सब बेसी डेफिनेट आटेबुल लगे बैंबू तो आम से बैंबू स्टार्ट करूँ बैंबू टूथब्रश प्रोडक्शन करवा आ सागे सागे लोक होते बैंबू टूथब्रश को भल एक्सेप्ट कले तो लोक पचारे आउ या सागर कौन अच्छी तो आम से कपर टांगली इंट्रोड्यूस कलु तापर स्टील स्ट्र एबे धीरे धीरे आउ गोटे बैग नुआ इंट्रोड्यूस करिछु किस दिन आगु वन वीक आगु तो जड़े आपण बीकॉम रो छात्र फाइनल इयर जड़े बीबीए रो छात्र तो दिस जण केमती मैनेज करुछे किसी टाइम आम स्टडीज को दौ एंड जहाँ भी आम टाइम मोस्टली थाए आम या दौचु बिकज आमर एवं मोस्टली आम कंपनी यह इनिशिएटिव हो जाइए कि आम जिते भी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स रोचे तार अल्टरनेटिव आम इंट्रोड्यूस करूँ और आगे जिते भी हो पार आम भी ट्राए करुँ आने मार्केट ओडिशा मार्केट इंट्रोड्यूस करने गोटे कंपनी क्रिएट कर जो कहते समस्ते कौन कौन प्रडक्ट सब या मार्केट को आणुच प्रथम आमर आसला बैंबू टूथब्रशटे तापर धीरे धीरे आम कपर टंक्लीनरटा इंट्रोड्यूस कलु तापर आपणकर स्ट्र स्टील स्ट्र प्रोडक्शन है तापर एबे बैग गोटे ये करछु कन्वर्टेबल बैग जोटा कि आप फोल्ड करके गोटे पर्स भाया करेंगे एंड कौट भी आप क्यारी करके जापरेंगे केमती सब लोक केमती आप प्रमोट करमती आप जो आप जो बिजनेस किंबा ये जो प्रोडक्ट को केमती लोक पहुँचाऊ प्रथमे आमे फर्स्ट स्टार्ट करथुलु इंस्टाग्राम थ्रु रु आमे इंस्टाग्राम रे ताकु प्रमोट करिया को लागिलु बहुत लोक इंस्टाग्राम थ्रु रु एक्सेप्ट करले ऑर्डर्स देले एबे आमर वेबसाइट आमे लॉन्च करछु वेबसाइट रु बहुत जणा कस्टमर्स आछुंती एंड मझिरे किछि जणा न्यूजपेपर आमको कवर करथिले सेइटु लोक आमर राउरकेला भितरे बहुत हाउलिंग हेछि एवं आमे ट्राई करूछु कि आउरी किछि उपाय यूज करिके आमे केमती आगुकु प्रमोट करिवु नेक्स्ट तुम्हारे इच्छा कौन जमती मानने एक प्रमोट करने तुमको एत गोटे जो भल जिन एक आगो को बढ़ावाई कौन आवश्यक एक्चुअली आम चाहूँ कि ब्रशटा जमी ब्रिसलटा एंटीबैक्टेरियल रोचे हैंडल भी बैंबू है और ब्रिसल भी बैंबू है तो आम एट नेचुरली एंटीबैक्टेरियल बैक्टेरिया बहुत भाइरसेस बहुत कम लगे तो आम चाहूँ कि ईच एंड एव्री डॉक्टर मान मैंने मेडिसिन शॉप आम या अवेलेबल कराऊ आम डेंटिस्ट मानक एप्रोच करूँ डेंटिस्ट मैंने रेकमेंड कर लोक आम किसी किसी एप्रोच करूँ ये कोईलनगर में आम बैंगलोर भी डेंटिस्ट मानक पठेलु से भी भल रेकमेंडेशन दे क्लाइंट मानक रेकमेंड करती तो आम से चाहूँ कि आम ब्रश और टंकली को सब डेंटिस्ट मैंने निजर एप्रूव करूँ निज क्लाइंट्स मानक एप्रूव करूँ पेसेंट्स मानक तो ये जो जिनस देखुं जो बायोडिग्रेडेबल बायो टूथपेस्ट गोटे बाउंश रु या ब्रश या आगुरी के
ନା ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରୟାସ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲି, ଯେମିତି ଆଜି ଯାହା ହଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୋତେ ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି କି ଯାହା ହଉ ଏଇଭଳିଆ କମ୍ ବୟସରେ ଏମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରଥମତଃ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ସେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଇଁ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଆମ ସମଗ୍ର ସମାଜ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ରେଗୁଲାର ଜିନିଷରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜିତ କରିକି ଯଦି ଆମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଇଏ ଉପାୟରେ ପାଇପାରୁଛୁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ୍ ଆମ ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଦେଖୁଛି ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିବି ଯେ ସେମାନେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଏପରି ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କ'ଣ କହିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତମେ ଦେଖୁଛ ଏମିତି ଗୋଟେ ବାଉଁଶର ତିଆରି ଟୁଥପେଷ୍ଟ, ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲ? ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଜିନିଷ ନୂଆ ଆଉ ବହୁତ ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ଇଏ ନୂଆ ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ନିହାତି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଆମର ରାଉରକେଲାରେ ଯେ ପିଲା ଆସିକି ଆଜି ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆମ ରାଉରକେଲା ପାଇଁ ଗର୍ବ, ଆଉ ନିହାତି ମୁଁ ଆଶା କରିବି ରାଉରକେଲାବାସୀ ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀ ତାଙ୍କର ଇନିସିଏଟିଭ୍କୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେବେ ଆଉ ମାର୍କେଟରେ ଇଏ ଜିନିଷକୁ ଚାଲିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେଉଁ ଏ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟକୁ ଆଣିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ତିଆରି କରି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ଫେସବୁକ୍ ଥ୍ରୋରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଥ୍ରୋରୁ, ଏବେ ସେମାନେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଏସବୁ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଥ୍ରୋରେ ଏକ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଥିଲେ ଏବେ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ ସମାଜର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଟୁଥପେଷ୍ଟରୁ ନେଇ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଗ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବିନା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ୟୁଜ୍ ନକରି କପଡ଼ାରେ ବାଉଁଶରେ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥରେ ଧାତୁରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନେ ଅତି ଖୁସି ହୋଇ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ କେତେ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନେ ଏଭଳି ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିଥିବାରୁ କିମ୍ବା ଏ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଥିବାରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯଦି ସରକାରୀ ସହାୟତା କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯଦି ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳେ ତେବେ ଏଭଳି ସାମଗ୍ରୀକୁ ସେମାନେ ବହୁଳ ଭାବରେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରିପାରିବେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ରାଉରକେଲାରୁ ଅମିର ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।